अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के बाद हमने तय किया कि इसे स्थगित की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से मेरे भी बहुत पुराने संबंध थे और मुझे याद है कि 92 में जब मैं पृथ्वी सम्मेलन से लौटा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रतिपक्ष के नेता थे और वो सदन में खड़े हुए, मुझे जैसे ही उन्होंने देखा वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ को बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार पृथ्वी सम्मेलन में नेतृत्व किया है, भारत की बात रखी है। ये प्रोसीडिंग्स में बात आई और मुझे याद है कि जब मैं पर्यावरण मंत्री था, उनको बड़ी दिलचस्पी थी ताजमहल पर। ताजमहल एक चिंता का विषय बन रहा था प्रदूषण के कारण और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। उनका बड़प्पन था कि उन्होंने कहा मैं आपको मिलने आना चाहता हूँ। मैं तो उनसे उनको अपने युवक कांग्रेस समय से जानता था। मैंने कहा भाई साहब आप ऐसी बात कहिए मत, मैं आपको मिलने आऊँगा। तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने ऐसे सुझाव दिए जो हमने स्वीकार किए। ताज के प्रोटेक्शन के लिए, ताज के बचावे के लिए, जो प्रदूषण, जो विभिन्न उद्योग थे ताज के आसपास, उनकी ये इच्छा थी कि उनको भी ठेस ना पहुंचे, जहां वो उद्योग जो एंटी पोल्यूशन का काम कर सकें, कुछ उसमें कार्रवाई कर सकें, वो उन्हें करनी चाहिए, पर जो नहीं कर पाएंगे उनको हटा देना चाहिए। ये बीच का रास्ता जो उन्हें निकाला, मैं कहता हूं उनको श्रेय मैं देना चाहता हूं कि उन्होंने ताजमहल की पूरे उसको सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था।